आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड फर्स्ट। इसके पढ़ाने के पहले थोड़ा सा समझ लो, वीकनेस बहुत ज्यादा कमजोरी, अगर फिजियोलॉजिकल डोजेज या पैथोलॉजिकल डोजेज मेडिसिन खिलाने से उसको कमजोरी रिकवरी होने में टाइम लग जाता है, सेलाइन चढ़ाना है, कैप्सूल टेबलेट विटामिन का खाने से उसका रिकवरी बहुत देर से होती है। आजकल जो भी कमजोरी दिखा पेशेंट गया और डायरेक्ट उन्होंने सेलाइन चढ़ा देते हैं, उससे ओरल सेलाइन इज द बेस्ट सेलाइन देन द इंट्रावेनस सेलाइन, ये समझ लो। मुंह से अगर खा सकता है पी सकता है तो ओरल सेलाइन नहीं ज्यादा बेटर अच्छा है, लेकिन यहां पर वो पी भी सकता है तो उन्होंने सेलाइन चढ़ा देते हैं, आप समझो मेरी बात। तो क्विक वीकनेस रिकवरी करने के लिए क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल अगर रिकवरी हो रहा है, नर्वस सिस्टम से स्नायुमंडल से अगर रिकवरी हो रहा है तो रिकवरी एंड वीकनेस विल बी फास्टर देन द पैथोलॉजिकल वीकनेस रिकवरी, ये समझ में आया। हमारी सारी मेडिसिन कहां करती है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में, नर्व में, तो हमारा बहुत फास्ट से रिकवरी करेगा, बशर्ते आपको समझना है वीकनेस इसका क्या है। अगर आप समझ जाते हो तो आप 20 मिनट से 30 मिनट में उसको वीकनेस रिकवर कर सकते हो, ठीक है, समझ में आए। तो यहां पर हम लोग वीकनेस की सबसे बड़ी मेडिसिन हमारे पास जो है एसिड फर्स्ट है और दूसरा चाइना है, लेकिन दोनों का वीकनेस आपको समझना पड़ेगा, इसलिए इसको गौर से अच्छा से समझो, ठीक है, समझ गए। तो आप 20 मिनट्स में रिकवर करके भेज सकते हैं, यहां पर दो चार पेशेंट, यहां पर बहुत वीकनेस पेशेंट एसिड फर्स्ट से रिकवर करके भेजा गया, चाइना 20 मिनट से 25 मिनट लगता है, और फ्राक से वो टंग से चंगा होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या होता है, जैसे करंट दिए तो बॉल फ्राक से चस्पूत हो जाता है, उसी तरह अगर हम मेडिसिन जैसे देते हैं न्यूरोसिस्टिकल एक्टिव हो जाता है और फ्राक से उसमें जान आ जाती है, मरे हुए में जान आ जाती है। इसलिए क्या होगा कि आप लोग ठीक से समझो, आप लोग ये 20-25 मिनट में पेशेंट को रिकवर करके वीकनेस से छुटकारा देके आप भेज सकते हो। इसलिए अपने मेट्रिया मेडिका पर काबिलियत पर अपने अच्छे से पढ़ो और समझो और सिंगल रिमेडी पर रहो, दो चार मेडिसिन मिला दोगे ना चाइना काम करेगा ना एसिड फर्स्ट काम करेगा, याद रखना, ठीक है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक होम्योपैथिक में वीकनेस रिमूव करने की बहुत बेहतरीन दवाइयां हैं, इस सब दवाइयों के ऊपर अच्छा से आपको अध्ययन चाहिए, ठीक है। एसिड फर्स्ट के पेशेंट कैसे दिखेंगे, बेस्ट सुटेड पर्सन ओरिजिनली स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनली वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, हु हैव बिकम डिबिलिटेड बाय लॉस ऑफ वाइटल फोर्स, लेकिन उसका जो वाइटल फोर्स जीवन की शक्ति शरीर से निकल जाने के कारण वो कमजोरी अनुभव करेगा। सेक्सुअल एक्सेसनेस, सेक्सुअली बहुत ज्यादा सेमिनल डिस्चार्ज करने के बाद में वो वीक हो गया है, देयर इज चाइना एंड एसिड फर्स्ट, दोनों का डिफरेंस ठीक से समझते चलोगे। वायलेंट एक्यूट डिजीज चार्जिंग और लॉन्ग सक्शन ऑफ द मोरल इमोशन एज ग्रीफ केयर एंड डिसअपॉइंटेड एक्सेप्ट, बहुत लंबे समय से दुखी दुख उसके पास रहेगा, लंबे समय से दुख उसके, इग्नेशिया भी है एसिड फर्स्ट है, दोनों का डिफरेंस भी देखते रहना, ठीक है। यह भी लव एफेक्शन प्रेम से निराश ये भी रहेगा। ये एसिड फर्स्ट का बचाने का तरीका क्या है, इन चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल हु ग्रो रैपिडली, लंबाई जोर से बढ़ते चले जाएगा, एक और इसको लंबाई सीधे से पढ़े जाएगा, और एक मैं सेकेंड एग्जाम्पल देता हूं, 14-15 साल का बच्चा है, मेच्योरिटी देरी से आ रहा है, तो लेकिन मास्टरबेशन करके वो मेच्योरिटी का अपने आप को शो कर दे रहा, उसमें भी उसकी लेंथ बढ़ते चली जाती है, मैंने वो एज बढ़ते चले जाएगा, और ज्यादा मास्टरबेशन करने वाले क्या होता है, बूढ़ा दिखने लग जाते हैं, रिंकल दिखने लग जाते हैं, समझ गए। तो इसका रैपिडली ग्रो का समझ गए प्रोसेस, रैपिड ग्रो कैसे करता है, हम मेच्योर हुए हैं उसको और मेच्योरिटी हम कर देते हैं, अगर हमको 20 साल में जो करना हम 14 साल में कर देते हैं तो वो मेच्योरिटी हो जाता है, वो अपने आप ऑल अराउंड ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, टुवर्ड्स ओल्ड एज की तरफ ले जाता है, दैट इज द रैपिडली ग्रोइंग, समझ गए। तो
एनिमल फ्रॉम केयर चार्ज इन ग्रीफ सोरो होम सिकनेस स्लीपी डिस्पोज टू वीप नाइट फीड्स टुवर्ड्स द मॉर्निंग। इसका क्या होगा, चिंताग्रस्त तो रहेगा, दुखी तो रहेगा, और जनरली बच्चे जो घर से दूर चले जाते हैं, हॉस्टल में चले जा रहे हैं, घर से दूर चले जाने के बाद में दुखी रहना, उसके लिए भी एक बहुत बेहतरीन ये दवाई है। और इसका सोने से रात में दो मतलब मॉर्निंग समय में 3-4 बजे भोर में या थर्ड नाइट नाइट का थर्ड शिफ्ट में 12-1 बजे 2 बजे के बाद में पसीना आएगा। समझ में आया? तो एसिड पल्स को बहुत अच्छा से समझो, हर में हमेशा पल पल में आपको काम देगा और हर प्रैक्टिस में आपको कामयाबी ऊपर लेके चला जाएगा। एसिड पल्स एक ऐसी दवाई है। इट लिस्टलेस एपैथिक इंडिफरेंट टू द अफेयर ऑफ लाइफ प्रोस्टेट एंड सुपरफिशियल ग्रीफ टू दोज थिंग्स दैट यूज्ड टू बी मोस्ट इंटरेस्ट एस्पेशली इफ देयर इज ए डेबिलिटी एंड इमेशिएशन। अगर कमजोरी और दुर्बलता और रैपिड ग्रोथ तीन चीज उसके पास अगर है, वो क्या होता है कि बहुत दुखी रहेगा, उदास रहेगा, जीवन में घटनाओं के प्रति वो लापरवाह, जीवन में क्या क्या घट रहा है उस पर कोई आने जाने नहीं है। डिलीरियम मटरिंग अनक्लिकेबल लाइज ऑन द स्टूपर और टू बी किल्ड स्लीप अनकॉन्सियस ऑल दिस गोइंग टू बी अराउंड हिम व्हेन अराउज द फुली कॉन्सियस आंसर स्लोली एंड करेक्टली रिलैक्सिंग। प्रलाप, बड़बड़ाना, समझ से बाहर, स्तब्ध हो जाना, मूर्खतापूर्ण, नींद में पड़ा हुआ है, आसपास जो भी कुछ हो रहा है उससे अनजान है, आसपास कुछ भी उसको हो रहा है उसको उससे वो अनजान है, और उत्तेजित हो जाने के बाद में वो सब कुछ जानने लग जाता है। जब उठ जाएगा, सेंस में आएगा, सब कुछ वो जानने लग जाएगा, फिर बाद में सही उत्तर सही देगा, उसके बाद वो स्तब्ध होकर सो जाएगा, लेट जाएगा। Weak and indifferent to the affair of life. सारे उसके लाइफ में अफेयरफुल रहेंगे और वेरी वीक और अफेयर उसका हमेशा लाइफ टाइम चलता रहेगा। इंटेस्टाइनल इंफ्लेमेशन ऑफ द बोन्स, देखो ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन। हड्डियों में सूजन, स्क्रोपलिस, गंटमाला, साइकोटिक, सिप्लेटिक, मर्कुरियर, पेरिओस्टेनियम इन्फ्लाम्ड, पेरिस्टोनियम, हड्डियों में सूजन, जलन एकदम पैरों में जो दर्द होगा जलन के साथ होगा, मालूम पड़े चक्कू से उसको छीला जा रहा है, और कैरीज रैचेटिस बट नॉट नेक्रोसिस ग्रोइंग पेन्स। हड्डियों का इरोजन, हड्डियों का टेढ़ापन, और धीरे धीरे इसका दर्द हड्डियों का बढ़ते चले जाता है। हेड, हेड एक क्रशिंग वेट ऑन द वर्टेक्स फ्रॉम द लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ और एक्जिस्टिंग नर्व इन ऑसिपिट एंड नेक, नेप यूजुअली फ्रॉम द बिहाइंड फॉरवर्ड बाय रिस्ट मोशन, नॉइज स्पेशली म्यूजिक एमुलेशन, लैंग, ब्रायनिया जेल्सियन सॉल्यूशन। बहुत ज्यादा दिनों तक अगर दुख उसके पास है, ग्रीफ है, तो उसको हेडेक का कारण बन जाता है, और सिर में हमेशा लगेगा बहुत भारीपन है, वजन है, और पीछे गर्दन से लेकर के ओसिपिटल में हेडेक होता है, और जब भी जहां कम से कम गति शोर विशेष रूप से संगीत से बढ़ जाता है, पर लेटने से उसको आराम मिलता है। बहुत पेशेंट आप लोगों के पास आएंगे हेडेक ऑफ द स्कूल गर्ल, हेडेक ऑफ द स्कूल गर्ल, आई स्ट्रेन ऑन ओवर रिच आईज, नेट ट्रेम्बल एंड कैल्कुलस ऑफ स्टूडेंट हु आर ग्रोइंग थ्रू फास्ट। बच्चे के बढ़ाव बहुत तेजी से हो रही है और बच्चे लोगों को आंखों पर स्ट्रेस पड़ने से कारण हेडेक हो रहा है, तो जनरली लोग जाकर चश्मा डॉक्टर को दिखाकर चश्मा एक पकड़ा देता है, लेकिन उसके बाद भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, इसलिए आप उसको एसिड पोस से बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तेरे तीन मेडिसिन आपके पास है हेडेक फॉर द स्कूल गर्ल, कैल्कुलस फर्स्ट, नेप्टोम्यूर एंड फॉस्फोरिक एसिड। कैल्कुलस फर्स्ट को आराम से पहचान जाओगे, नेप्टोम्यूर को भी पहचान जाओगे, और फॉस्फोरिक एसिड को भी अच्छे से पहचान जाओगे।
आई सेकंड एंड सराउंडेड बाय द ब्लू मार्जिन, आंख अंदर घुसा हुआ रहेगा, आंख उसका जितने मास्टरबेशन केसेस आपके पास आएंगे उसके आंख गाल सब घुसा हुआ रहेगा, पहचानने का एक सबसे बड़ा तरीका है, और उसके आई रिंग में थोड़ा सा ब्लैकनेस रहेगा, आंख अंदर घुसा हुआ रहेगा याद रखना, आंख मालूम पड़ेगा अंदर चले गया हॉस्पिटल हुआ बीच में। फेस पेन, आंख अंदर घुसा रहेगा, चेहरा भी घुसा रहेगा, स्किन भी घुसा रहेगा, और येलोइश कलर का दिखना। मास्टरबेशन केस को लोग जनरली बताते नहीं, आपको पहचानना पड़ेगा उसको, उसका चेहरा देख करके, उसका कमजोरी देख करके, बाद में वो खुल गया तो बोल देगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। डायरिया, इसका पेनलेस डायरिया होता है, व्हाइट येलो वाटरी फ्रॉम एसिड इनवॉलेंट्री विद द क्लाइटस कलेक्टेड फ्रॉम द फियर, बिना दर्द के किसी प्रकार। अच्छा, जितना भी डायरिया जिसने भी, उसका वीकनेस बिल्कुल नहीं लगेगा उसको, चाइना में वीकनेस फीलिंग होगा, इसमें वीकनेस बिल्कुल नहीं रहेगा, और अपने आप निकल जाना, येलोज भी है, नेट्रिमल भी है, और डर के मारे डायरिया हो जाना, एक जलसीमियम भी है, और इससे थोड़ा इसका एक सबसे बड़ा लक्षण है यूरिन का, मैं बताता हूँ, देखने यूरिन लुक्स लाइक ए मिल्क मिक्स्ड विद जेली लाइक ब्लडी पीसेस डिकम्पोज रैपिडली प्रोफ्यूज यूरिनेशन एट नाइट और क्लियर वाटरी नॉट रेस्ट यूरिन विच फॉर्म्स ए व्हाइट क्लाउड एंड वंस फॉस्फोरस इज इन द एक्सेस एंड नॉट रेस्ट। यूरिन ऐसा मालूम पड़ता है जैसे दूध का जेली बना हुआ है, उसमें ब्लडी खून के टुकड़े भी रहते हैं, रात में बार बार साफ पानी की तरह बहुत ज्यादा जो तुरंत सफेद बादल सा बन जाता है, इसमें बहुत ज्यादा फॉस्फेट जाता है और नर्व का पीसेस टुकड़ा भी जाता है, कुतरन नर्व वेस्ट बोलते हैं उसको। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओनेजम व्हेन पेशेंट इज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड बाय द कैपेबिलिटी ऑफ एक्ट कंपेयर डायस्क्रिया एंड स्टेपेस्क्रिया। देखिए ओनेजम के लिए आपके पास तीन मेडिसिन है एलन के हिसाब से, डायस्क्रिया एंड स्टेपेस्क्रिया एंड फॉस्फोरिक एसिड। ओनेजम मींस खाली मास्टरबेशन उसका हिस्ट्री में रहा हो और अपना मास्टरबेशन के कारण वो पूरा जीवन बर्बाद कर दिया हो और सामने किसी के सामने उठा के आंख से बात नहीं कर पाया, मुंडी हमेशा नीचे रहेगा इसका हमेशा, अपने वो अपने आप को बहुत बड़ा लज्जित फील करता है। मेल रिप्रोडक्शन एमिशन फ्रीक्वेंट परफ्यूज डिबिलेटिंग आफ्टर क्वेश्चन मोस्ट डिजायर आफ्टर सेवरल वन नाइट एब्सेंस एंड सीड अपीयर टू बी प्योर। एमिशन मैंने सेमिनल एमिशन उसको बार बार होता है, एक रात में कई बार एमिशन होता है और बहुत वीक होता है और आफ्टर क्वेश्चन के बाद में भी उससे सबसे ज्यादा डिजायर बना हुआ रहता है, बहुत लज्जित और दुखी रहता है, अपने बीमारियों का आरोग्य ना होने के कारण वह दुखी रहता है। इसके एकदम समझो, एकदम बहुत इजी मेडिसिन, सारे पेशेंट आजकल सारे टीवी एंड मोबाइल से इससे बर्बाद हो रखे हैं, आपको ऐसा ही पेशेंट मिलेंगे। चेस्ट वीक फ्रॉम टॉकिंग एंड कॉफिंग, खांसते और बात करते समय छाती में बहुत ज्यादा कमजोरी, यह कमजोरी आगे चल के क्या होता है टीवी में परिणित हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस नर्वस फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फोर्स टू रैपिड ग्रोथ डिप्रेसिंग मेंटल एंड इमोशन, छाती बात करने या खांसने से दुर्बलता का अनुभव। ट्यूबरक्लोसिस ड्यू टू लॉस ऑफ सेमिनल फूड एंड ऑल ऑर्गेनिक मेटेरियल्स लिक्विड मेटेरियल्स, और बॉडी का ग्रोथ भी बहुत ज्यादा रहता है और ग्रीफ रहेगा, बहुत उदास रहेगा। और एक समझो पेशेंट ट्रेम्बल्स लेग्स वीक, चलते समय उसको ट्रेम्बलिंग होगा, कांपेगा, इजीली मैक्स मिस स्टेप, पैर भी आसानी से लड़खड़ाते चले जाएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जैसे होता है, एक लाइन में वो चल नहीं पाता वैसे लड़खड़ा करके एसिड पोस्ट में चलता है। लेकिन उसके आगे बैकग्राउंड हिस्टर सेमिनल एमिशन और ये सब रहा तो आप डायरेक्ट एसिड पोर्ट से रिकवर कर सकते हैं। बोरिंग ड्राइंग डिगिंग पेन इन द नर्व्स ऑफ द एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी के सारे नर्व में पेन होंगे। नेक्रोसिस स्टंप आफ्टर एम्पुटेशन, पैर हाथ कटने के बाद में वहां पर नेक्रोसिस हो जाना, यू थिंक द फॉस्फोरिक एसिड।
एक्टिविटीज, पेन इन द बैक एंड लिम्स एज इफ बीटन, कोई मार रहा है, पीटा गया हुआ, कोई डंडी से मारा हुआ है, चोट लगने जैसा, उसका कमर में दर्द होगा, इसका बैक पेन देख लो, पीटा हुआ है, कोई मारा हुआ है, उस टाइप का अगर दर्द है तो आप एसिड पॉज का यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, सर्वल टाइफाइड और टाइफस कंप्लीट एपाथी और स्टुपर, टैक्स नो नोटिस, लाइज लॉग अटली रिगार्डलेस ऑफ द सराउंडिंग इंटेस्टाइनल हेमरेज एंड ब्लड डार्क। सर्वल टाइफर, मस्तिष्क ज्वर अगर टाइफर टाइप का रहा, उसमें बेहोशी हो जाना, किसी बात के तो ध्यान नहीं देता है, एकदम लकड़ी की तरह वो पड़ा रहता है, उसमें क्या हो रहा है उसको प्रतिबुद्धि वर्ष उदासीन रहता है, आंतों में रक्त मिला, डिसेंट्री या दस्त होता है। लो टाइप ऑफ फीवर, फीवर एकदम लो टाइप का रहेगा, स्लो फीवर रहेगा। एग्रेवेशन फ्रॉम मेंटल अफेक्शंस, लॉस ऑफ वाइटल फोर्स स्पेशली सेमिनल, सेल्फ एब्यूज, सेक्सुअल एक्सेसनेस, टैकिंग, कॉज ऑफ वीकनेस इन द चेस्ट, स्टेनम इज ऑल्सो, वीकनेस ऑफ अगर आता है चेस्ट में देन स्टेनम को भी याद करना चाहिए। और सारा एग्रेवेशन फ्रॉम मेंटल अफेक्शन, लॉस ऑफ वाइटल फोर्स स्पेशली सेमिनल, देखो चाइना में भी लॉस ऑफ वाइटल फोर्स है, चाइना में क्या है, डायरिया, डिसेंट्री, ब्लीडिंग, ये हो गया। एसिड पॉज में क्या है, सेमिनल एमिशंस, दोनों का वीकनेस आप लोग पूरा समझ लो तो फेल नहीं होगा कभी भी। और सेकेंडली 20 मिनट्स में, 5-5 मिनट देखकर 20 मिनट्स उसको वीकनेस को में ताकतवन का फील करा के आप भेज सकते हो पेशेंट को, 20 मिनट के बाद ही उससे पूछ लो कैसा लग रहा है, उसको मालूम पड़ेगा बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से अच्छा है, यहाँ पर लोग कांपते कांपते आते हैं, हम लोग 4-5 खुराक देने के बाद वो ठीक ठाक चले के चले जाते हैं, हम लोग का पेशेंट यही आते हैं कि हम लोग क्विक रिकवरी देते हैं, नहीं तो कोई नहीं आता, होम्योपैथी का प्राय क्लिनिक खाली पड़ा हुआ है, कोई पेशेंट आते हैं, कोई 5 पेशेंट 10 पेशेंट देखता है, इसलिए आप लोग पर मेडिसिन पर मैक्या मेडिका एवरी इंडिविजुअलिटी के ऊपर में ध्यान देकर चलो और सिंगल रेमेडी पर रहो, ऐसा सक्सेस कभी नहीं मिलेगा, अल्फा अल्फा विटामिन मिला के खिला के भी कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर एक ड्रॉप और नानो डोज का हम लोग का देके इतना बढ़िया रिकवरी करेगा, इसलिए अच्छे से ध्यान पूर्वक किसी एसिड पॉज एंड चाइना दोनों पढ़े रहो बढ़िया से, हमेशा वीकनेस आप लोग संग संग रिमूव करके भेजोगे, पेशेंट भी खुश हो जाएगा, एक पेशेंट जैसे खुश हो आपके पास 10 पेशेंट ला के दे देगा, ठीक है। तो समझ गए, तो रिलेशन फॉस्फोरस पल्सिला पिक्रिक एसिड सैलिसियम ब्यूटिक एसिड टाइफाइड नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड इन एपैथिक क्लोस्ट्रिडियम फॉस्फोरिक एक्स बिफोर एंड आफ्टर चाइना कोलिकेटिव स्वीट्स डायरिया डेबिलिटी आफ्टर नेक्रोमिक इन्फेंटिंग अफर इन मेल। अब ठीक से सारे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो, उसका आंसर भी देने का कोशिश करो। गिव द जनरल एक्शन ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड, गिव इट प्रोड्यूस द नर्वस प्रोस्टेशन एंड डिबिलिटी एंड एटोनिक कंडीशन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड बोन इन्फेक्शंस। इट इज ए क्या होगा, नर्वस प्रोस्टेशन एंड डिबिलिटी, तो जैसे नर्वस प्रोस्टेशन और डिबिलिटी आपको मिला, आप मेडिसिन दिया फटाक से वो एक्टिव होके जैसे कि उसमें 440 वोल्ट आ गया, अब वो दौड़ने लग जाएगा, ठीक है। मेंशन द 3 कैरेक्टर यूज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, 3 कैरेक्टर फॉस्फोरिक के क्या क्या है, एकदम ठीक से समझो। डिबिलिटी फ्रॉम द नर्वस कॉर्सेज, पेनलेस वाटरी नॉन एक्यूटिंग डायरिया, इसका डायरिया पेनलेस एंड वाटरी रहेगा, नॉन एक्यूटिव मैंने कोई कमजोरी नहीं लगेगा डायरिया के बाद में। एलिमेंट फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसनेस, एलिमेंट फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसनेस, क्वेश्चन आंसर इसलिए करा दे रहा हूं कि आप लोगों को याद रहेगा, मेडिसिन कभी भूलोगे नहीं, मिस फायरिंग नहीं होगा। डिस्क्राइब द डेबिलिटी कॉलिंग फॉर फॉस्फोरिक एसिड, इट इज नर्वस डेबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम कंटिन्यूड ग्रीफ, ओवर एक्जर्शन ऑफ माइंड, सेक्सुअल एक्सेस और एनी नर्वस स्ट्रेन ऑन द बॉडी। इट इज कैरेक्टराइज बाय द इनडिफरेंस एपैथी एंड टॉर्बिडिटी ऑफ द बॉडी एंड माइंड, हमेशा दुखी रहेगा ड्यू टू नर्वस डेबिलिटी के लिए। गिव द डायरिया ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड, तो बहुत सिंपल है डायरिया, इसका पहचानना। इट इज वाटरी एंड पेनलेस, इट इज वाटरी और पेनलेस
और वीकनेस भी नहीं लगेगा। ऑफन अनडाइजेस्टेड डायरिया भी होता है कभी कभी, प्रीसीड बाय रंबलिंग ऑफ द बॉल्स एंड डिस्पाइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टूलिश पैसेज डज नॉट सीम टू वीकन बाय इट द की नोट द एब्सेंस ऑफ पेन एंड एब्सेंस ऑफ एग्जिशन डायरिया फ्रॉम फियर। डायरिया फ्रॉम फियर जेलसीएम भी है, तो जेलसीएम के साथ में इसको तुलना कर सकते हो, लेकिन इसमें पेनलेस और कोई कमजोरी नहीं आएगा, जेलसीएम में वीकनेस आता है। गिव द इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल एक्सेसिव इफेक्ट्स इन ग्रीप, बैड इफेक्ट ऑफ ग्रीप ड्यू टू डिप्रेशन इमोशन डिसअपॉइंटेड लव एंड ऑल्सो भी होम सिकनेस, मैंने घर से दूर होने के बाद में भी अगर उसको प्रॉब्लम होता है देन यू थिंक दिस वन। इग्नेशिया इज मोर व्हाट इज हाउ डज इग्नेशिया कंपेयर है, इग्नेशिया से कैसे कंपेयर करोगे, कैसे डिफरेंस रहेगा। इग्नेशिया इज मोर फॉर द इमीडिएट इफेक्ट व्हाइल फॉस्फोरिक एसिड इज मोर फॉर द क्रॉनिक लॉन्ग एंड लास्टिंग इफेक्ट्स कमिंग टू आफ्टर इग्नेशिया। अब ये इसको वर्ड को अच्छा से समझो, बहुत दिनों से दुख चला हुआ फॉस्फोरिक एसिड है, सडनली कोई दुख आया दैट इज इग्नेशिया है, समझ में आया। तो लॉन्ग कंटिन्यूड ग्रीप, 10 साल पहले किसी का डेथ हुआ था उसके बाद चल रहा है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, सडनली कोई डेथ हुआ सडनली अगर उसको ग्रीप हुआ दैट इज इग्नेशिया। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ गए अच्छा से। गिव द इंडिकेशन द फॉस्फोरिक एसिड इन डायबिटीज, फॉस्फोरिक एसिड डायबिटीज में आपको कैसे दे सकते हैं। ग्लाइसीडिया एंड पोलियूरिया यूरिन लुक्स मिल्की और लाइक जेली आफ्टर स्टैंडिंग, ग्रेट डिबिलिटी, कफ ऑन स्लाइटेस्ट एक्सपोजर टू ब्रीज फीलिंग इन द मसल्स एंड बर्निंग इन द स्पाइन, यूरिन लोडेड विद फॉस्फेट एंड शोइंग ए ग्रीशी पेलिपेट। यूरिन में अगर फॉस्फेट जा रहा है मिल्की है देन यू थिंक द फॉस्फोरिक एसिड, फिर भी उसमें दैट डायबिटीज केस अगर आपके पास आता है लॉन्ग कंटिन्यूड ग्रीप उसके साथ है तो ही फॉस्फोरिक एसिड डायबिटीज को काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा, और ये काम करेगा तो डायबिटीज हमेशा के लिए उड़ा भी देता है। इसलिए आपको लॉन्ग कंटिन्यूड ग्रीप एंड रैपिड ग्रो होना चाहिए, ठीक है। व्हाट आर द सम क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ यूरिन एंड नाइट्रिकम आफ्टर रेमेडी ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज में दूसरा है यूरेनियम नाइट्रिकम वो कब दिया जाएगा। इमाशिएशन, एक्सेसिव थर्स्ट वॉमिटिंग ऑफ फूड विद एक्सेसिव यूरिन समटाइम्स टिम्पेनाइटिस, पेट फुला रहेगा सब में, इमाशिएशन पतला दुबला रहेगा, बहुत ज्यादा प्यास रहेगा, वॉमिटिंग ऑफ फूड विद एक्सेसिव यूरिन पेशाब बहुत ज्यादा हो रहा है, वॉमिटिंग टेंडेंसी रहेगा। What are the male sexual symptoms of phosphoric acid? Debility, relaxation and impotence from the sexual excessiveness, impotence from sexual excessiveness. देखो, causative form, frequent weak emissions and dragging pain in the testicles. Testes में pain हो सकता है. Weakness in back and legs, burning spine, spermatoria. Spine burning होगा या spermatoria है. Does phosphoric acid have any action on the chest? If so, what? उसके chest में क्या action है? It produces weakness of the chest. Chest में कमजोरीपन. So that the patient can hardly talk. वो बहुत कम बोल नहीं सकता कि उसको तकलीफ होता है. The weakness causes dyspnea. वो कमजोरी के कारण श्वास भी नहीं ले पाएगा. Cough from tickling of the chest about the isiform. कार्टिलेज वर्स इन द इवनिंग एंड लाइंग डाउन, शाम को वो उसका तकलीफ बढ़ जाता है और लेटने से तक। देखो आप सबको चिल्ला के बोलो याद रखो एसिड पास और जिंदगी में पढ़ने का दरकार नहीं है, पेशेंट आते ही देख लोगे। एपैथिक, इंडिफरेंट, लिस्टलेस, एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फोर्स फ्रूट्स, लॉस ऑफ वाइटल फ्रूट्स इसका कैसा रहेगा, सेमिनल रहेगा। एंड चाइना का लॉस ऑफ फ्लूइड्स कहां रहेगा, डायरिया, डिसेंट्री, ब्लीडिंग,
समझ में आया तो एमिलेशन बाय शॉर्ट स्लीप, थोड़ा सा सोने से उसको आराम मिल जाएगा। ऑल डिस्चार्जेस प्रोफ्यूज, थोड़ा जोर से बोलो यार क्या ऐसे कर रहे, एंड डिबिलिटिंग एक्सेप्ट डायरिया, हेडेक, क्रशिंग वेट ऑन वर्टेक्स, एग्रेवेशन फ्रॉम म्यूजिक मोशन, एमिलेशन लेइंग डाउन इन रैपिडली ग्रोइंग चिल्ड्रन। अच्छा सा पढ़ो दोबारा, जैसे पढ़ने का दरकार नहीं पड़े, यहां पढ़ लिया मीन्स और जिंदगी में किताब सोने का दरकार नहीं है, पेशेंट को खाली देखना है और फट से लिखना है। मैं इतना इसलिए इस टाइप का करवा रहा हूं आप लोगों, ठीक है, थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join.